बड़ी उठापटक के बीच में जहां अब देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले ली है, तो वहीं शरद पवार का बड़ा बयान सामने आ रहा है। शरद पवार कह रहे हैं सरकार हम बनाएंगे। अब वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है, अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले ली है। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गायब रही, शरद पवार वहां पर मौजूद रहे, उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि लोकतंत्र पर खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि वो लोग तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे हम, यानी कि बीजेपी को इस बात के लिए कहा जा रहा है कि वो बहुमत साबित करे। 30 नवंबर तक का वक्त है और इन दिनों में बीजेपी को बहुमत साबित करना है। इसी के साथ ही शरद पवार जो है उन्हें भी बहुमत साबित करना होगा अगर वो सरकार बनाती है तो। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है, वहीं उनके पास अगर आंकड़े होंगे तभी तो शपथ ली है। वहीं शरद पवार का कहना ये है कि जो विधायक हमें फोटोग्राफ्स में दिख रहे हैं उनमें से 2 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, इसके अलावा जो भी विधायक थे। हालांकि आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायकों को बुलाया गया था लेकिन कुछ विधायक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे। यानी कि अब देखा जाए तो अभी हलचल जो है, सियासी हलचल जो है महाराष्ट्र में काफी तेज हो रही है और 30 नवंबर तक यहां तक बहुमत साबित करना होगा। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।